नमस्कार दोस्तों, अमराज ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो हमारा गांव तिवीर में प्रत्येक साल की भांति इस साल भी 2023 में मांग पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप यहां पे देख सकते हैं लोगों का खुशी का जो लेवल है, आप देख सकते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं हमारे गांव के द्योरी जी, उनके दोनों सही अगल बगल में दोनों के सहयोगी हैं, उनको साथ देते हुए है ना पूजा करने के लिए, बलि देने के लिए मुर्गा हाथ में लिए हुए हैं। मुर्गे जैसे ही दाना चुगते हैं वैसे उससे ही बाद में बलि चढ़ा दिया जाता है ना, ऐसा नियम है। तो वह नियम को भी निभाते हुए द्योरी जी आप लोगों को पारंपरिक नृत्य करते हुए है ना, लोगों का अपना अपना अंदाज है खुशी मनाने का है ना। जिस तरीके से ढोल नगाड़े या फिर मदाल बजा बजा के लोग है ना एंजॉय कर रहे हैं, नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। यहाँ हमारे गांव तिवीर में प्रत्येक साल बहुत ही ज़ोरदार, बहुत ही धूमधाम से मांग पर्व मनाया जाता है। इसी तरीके से अभी जैसे ही समय बीतते जाएगा, जैसे शाम होते जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे भीड़ एकदम ज़्यादा जमने लगेगा है ना। जमते ऐसे भीड़ मतलब ज़्यादा बढ़ते जाएगा। आप देखते जाइए, वीडियो में बने रहिए दोस्तों। देखिए आप यहाँ पे बच्चे, जवान, बूढ़े, मतलब हर एक उम्र के लोग यहाँ पे आते हैं, पर्व का मज़ा लेते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी जैसे ही ऐसे समय बीतते जाएगा ऐसे यहाँ पे भीड़ जमते जाएगा। आप बस वीडियो बने रहिए। यहाँ जब तक देवरी पूजा करते हैं ना, अपना परंपरा को निभाते हैं, तब तक यहाँ पे नाच गाने से होते रहेगा। जब पूजा करने का जो समय ख़त्म हो जाता है, पूजा जब हो जाता है, संपन्न हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ से लोग डायरेक्ट नाचते गाते इसी तरीके से अखाड़े की ओर जाते हैं। अखाड़ा में पूरा व्यवस्था किया गया है, वहाँ पे साज सज्जा किया गया है हर साल की भांति इस साल भी। तो वहाँ पे लोग काफ़ी ज़ोरदार, बहुत ही धूमधाम से वहाँ पे है ना, बहुत ही खुशी से लोग नाचते हैं, गाते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे गांव में चूँकि साल में एक ही बार आता है, इसीलिए बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। गाँव में पर्व को सफल बनाने के लिए पूरे गांव का हर एक घर का, हर एक प्रत्येक घर से मतलब बढ़िया सहयोग रहता है सबका, पूरे गांव वासियों का इसमें सहयोग रहता है पर्व को सफल बनाने के लिए। इसी लोग इस पर्व का काफ़ी समय से मतलब इंतज़ार करते हैं लोग है ना। और हमारे गांव में काफ़ी लोग बाहर से भी आते हैं, जैसे मेहमान बन के प्रत्येक घर में मेहमान लोग आते हैं, वो लोग पर्व का मजा लेते हैं, खुशियाँ मनाते हैं लोग मिलजुल के। ये हमारे हुआ समाज का सबसे बड़ा पर्व है ना, ये मांग पर्व, इसको प्रत्येक साल बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। ये गांव में अलग है, खुशी का माहौल बना रहता है पर्व का इस समय, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप कई लोगों को देख सकते हैं जो पारंपरिक साड़ियों में आए हुए हैं। ये कितना अच्छा लगता है जब अपना समाज का जो अपना समाज के हिसाब से है ना, जो लिबास भी पहन के आते हैं, जैसे साड़ियाँ पहन के आते हैं, तो काफ़ी सुंदर लगता है इससे ना। देखिए अब यहाँ पे लोगों को सफ़ेद धोती और कुर्ता पजामे में मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लोग को। ऐसे तो नियम है अपने समाज के हिसाब से ही इसे पहन के आने का, पर ऐसा संभव नहीं हो पाता है। ऐसा अगर संभव होता तो बहुत बढ़िया रहता। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से लोग नाच रहे हैं, किस तरीके से लोग इंजॉय कर रहे हैं इस मांग पर्व को। अब पे ढोल मदाल या जो भी हमारे समाज में जो पारंपरिक गाजे बाजे हैं, ये बजाने वाले भी काबिल तारीफ के लायक है। मतलब इन लोगों को बहुत ही मेहनत से लोग मतलब पूरे लगे रहते हैं ना, शुरू से लेकर आखिरी तक ये लोग रात भर बजाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे गांव में ऐसा है
शुरू से ही कि यहाँ पे रात भर मतलब नाच होता है, ठीक है, क्योंकि ये चूँकि साल में एक ही बार आता है इसलिए तीन दिन लगातार जो है ना इस रात में तो आप रात भर यहाँ पे डांस होता है, नाच होता है, वहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग का बढ़िया व्यवस्था है, कमेटी भी ठीक है यहाँ पे, और पूरे गांव का इसमें सहयोग रहता है पर आपको सफल बनाने का, बीच में किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं होने दिया जाता है, आज तक तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। जब भी ऐसा कोई दिक्कत होता है तो इस कमेटी के मेंबर्स लोग जितने भी हैं गांव के लोग हैं वो लोग इसे निपटारा करने के सोल्व करने के बस कोशिश करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए अभी जैसे जैसे समय बीतते जा रहे हैं यहाँ पे भीड़ भी बढ़ते जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ ऐसा मेरा मानना है और बहुत लोग ऐसे मानते भी हैं कि हाँ हमारे गांव में जैसे तुईबीर में अगर एक बार जो भी आप ये मंग पर मारते हैं तो उन्हें अगली बार आने का एकदम इच्छा जरूर होता है, ऐसा है ना, ऐसा कहा जाता है, लेकिन मना ही ऐसे जाते हैं हमारे गांव में, बहुत ही भीड़ भाड़ होता है ऐसा। ये वीडियो में शायद तो क्योंकि मेरे ही गाँव में हो रहा है ना, तो इतना टाइम तो शायद हम वीडियो बनाने में नहीं देख पाएंगे, ये तो पहला दिन का है, ये मन पर तो पहले दिन का वीडियो है, अभी देख रहे हैं। ये पूजा जहाँ होती है ना ये हमारे घर के एकदम नज़दीक में होती है, हमारे कल्याण में जो हम लोग का जो कल्याण है उसी में पूजा किया जाता है, उसी में होता है, आप देख रहे हैं यहाँ से मेरे घर करीब है, सब यहाँ पर हम समय दे पा रहे हैं, घर में काफ़ी मेहमान आते हैं तो उन लोगों को भी समय देना पड़ता है, इसलिए दूसरा दिन वीडियो में शायद दूसरे दिन कुछ पर्व का दूसरा दिन है उस दिन शायद आप लोग के लिए वीडियो ना बना पाए, और रात में भी काफ़ी भीड़ रहता है तो शायद रात में भी इतना देर तक तो हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, तो रात का भीड़ का जो है भीड़ रात का तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है भीड़ दोस्तों, रात का भीड़ बहुत ही ज़्यादा तक होता है, वहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं होता इस तरीके से भीड़ होता है अखाड़ा में, शायद रात में आप लोग टाइम नहीं देता है मतलब वीडियो में, तो थोड़ा सा रात का टाइम पर थोड़ा सा यहाँ से यहाँ जहाँ पूजा हो रहा है यहाँ से जाने के बाद अखाड़ा का थोड़ा सा आप लोग के लिए सीन जो वहाँ पे है जो वहाँ का नज़ारा है थोड़ा सा आप लोग के लिए वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे आप भीड़ को देख सकते हैं, अभी भी पूजा को करते हुए है ना, पूजा करते हुए आप देख सकते हैं, जब तक देवरी का पूजा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे नाच गाना लगातार होता रहेगा, आप देख सकते हैं इस तरीके से लोगों का हुजूम बढ़ते जा रहा है यहाँ पे, अभी काफ़ी देर तक यहाँ पे पूजा होना है, जब तक देवर जी पूजा करते हैं तब तक यहाँ पे लगातार इस तरीके से भीड़ भी बढ़ते जाएगा और लोगों का नाचना गाना भी लगातार चलते रहेगा। यहाँ लगभग गांव के सभी घर से लोग आते हैं और उन घरों में जितने भी मेहमान आए रहते हैं वो मेहमान भी यहाँ पे दर्शन करने पूजा देखने के हिसाब से यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं और नाच गान करके खुशियाँ मनाते हैं, ठीक है,
देखिए जो खुशी का जो जिस तरीके से खुशी का माहौल आप यहाँ पे देख सकते हैं, लोग लगातार नाच रहे हैं। ठीक है, यहाँ लगभग सभी कोई खुश हैं, मतलब सभी लोग कोई नाच के खुशी मना रहे हैं, कोई साइड में खड़े होके नाचते लोगों को देख के खुशियाँ मना रहे हैं। इस बार का वीडियो थोड़ा लंबा तो हो रहा है ना, काफ़ी लंबा होने वाला दोस्तों, पर इससे भी ज़्यादा समय तक तो यहाँ पे पूजा किया गया है ना। पूजा अब होते हुए आप देख पा रहे हो, पर अभी आप देख सकते हैं इससे भी काफ़ी देर तक यहाँ पे नाच गान होना है। बस कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम वीडियो बनाएं, पर वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लोगों को नाचते हुए, यहाँ पे देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर लोग यहाँ पे नृत्य कर रहे हैं, जो पारंपरिक हम लोग का नाच होता है हमारे समाज का। ऐसा मौका साल में बहुत ही कम नाचने को मिलता है, तो सामूहिक रूप से एक जगह में जमा होके यहाँ पे दूरी के सहयोगी है ना, जो पूजा भी इधर पूजा भी लगातार पूजा के जो परंपरा है पूजा करने का, वो भी यहाँ पे हो रहा है, और दूरी के पीछे साइड में लोग नाच रहे हैं। काफ़ी लोग पूजा का भी आनंद ले रहे हैं, पूजा को किस तरीके से जिसको हम लोग मागे बुंगा बोलते हैं, यहाँ पे वो चीज़ को दूरी निभाते हुए प्रत्येक साल यहाँ पे इसी तरीके से मांगे परब में पूजा किया जाता है। यहाँ पे परिवार के कुछ लोग हैं, राज्य भी हैं, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ सेट सेट में खड़े होकर भी कई लोग नाचते हुए लोगों को और पूजा को यहाँ पे देखते हैं। देखिए नियम है, मेरा नियम के अनुसार पूजा किया जा रहा है, उसके अनुसार सारा कुछ जैसे परंपरा पहले ज़माने से चलते आ रहा है उसके अनुसार ही यहाँ पे सारे नियम को यहाँ पे पूरा किया जाता है। देखिए यहाँ पे देवरी जी अपने हाथ में पूजा करके जो दुर्गा को ऐसे हवा में उछालते हैं, तो उसको अगल बगल में जितने दर्शक हैं, दर्शक मतलब वही पूजा में दर्शन करने आए हुए हैं, और मुर्गा को इस तरीके से पत्थर से मारते हैं। तो ये शाम का नज़ारा है, इधर एंट्री गेट है। एंट्री गेट ऐसे तो मेन जहाँ से प्रवेश करते हैं और तो उससे भी पीछे है मेन रोड में, पर यहाँ से लाइटिंग शुरू किया गया, वहाँ से आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से ऐसे गाँव में कभी ऐसे डेकोरेशन कम ही देखने को मिलते हैं, वो भी मांगे परब में। खासकर मांगे परब में आज तक हमने ऐसे डेकोरेशन नहीं देखा है कहीं पर भी। डेकोरेशन तो देखिए किस तरीके का नज़ारा है, कि लग रहा है कि मेला हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लोगों का भी जैसे जैसे रात होते जाएगी ऐसे ऐसे भीड़ काफ़ी बढ़ने वाला है। ये तो शाम का शुरुआती समय है ना, जैसे अखाड़ा से अभी आके जो स्कूटी बना रहे हैं, बस वही एक नज़ारा है, अखाड़ा है। किस तरीके से यहाँ पे सज सजा का काम किया गया है, देखिए लाइटिंग वाइटिंग का भी बढ़िया व्यवस्था है। जैसे जैसे यहाँ पे शाम से मतलब जैसे रात होते जाएगी, ऐसे ऐसे यहाँ पे भीड़ काफ़ी बढ़ने वाला है दोस्तों। बहुत ज़बरदस्त भीड़ होता है यहाँ हमारे गाँव तिबीर में, प्रत्येक साल यहाँ पे इसी तरीके से भीड़ होता है ना।
देखिए कुछ वेंडर्स या आइसक्रीम जो बेचने वाले वो भी वहाँ पूजा स्थल में गए थे। काफ़ी सारे ऐसे दुकानदार वहाँ पे खासकर तो आइसक्रीम लेके गए थे, है ना, ठेला वाला में। लोग भी वापस जाने का तैयारी कर रहे हैं। अच्छा देखिए, आज हमारे गाँव मंगपरम में बारिश भी हो गई थी, है ना। दिन में दोपहर में मतलब बारिश किया था, है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा पानी में जम गया था, तो थोड़ा कीचड़ टाइप हो गया था, है ना। लेकिन यहाँ नाचते सारा कीचड़ चल जाए ना दोस्तों, यह सूखने वाला है। ऐसा कई साल पहले भी ऐसे ही हुआ था, क्योंकि उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पर इतना भीड़ होता है ना दोस्तों कि नाचते सारा चीज़, सारा कीचड़ चाहिए जितना भी है, सारा चीज़ सूखने वाला है, सूख जाने वाला है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर भीड़ होता है, इस तरीके से यहाँ पर रात भर नाच होता है, आप देख सकते हैं जैसे भीड़ यहाँ पर बढ़ती जा रहा है। और ज़्यादा रात तक का तो आप लोग वीडियो में अपडेट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, मेहमान लोग आए हुए हैं, उन लोग को भी देखना है, इसलिए अभी शुरुआती दौर का है। भीड़ आप देख सकते हैं, अभी भी काफ़ी भीड़ है, लेकिन रात में इससे ज़्यादा भीड़ होने वाला है। देखिए कितना कीचड़ यहाँ पर लग रहा है ना, लेकिन ये एक डेढ़ घंटा दो घंटा में सारा कीचड़ सूख जाने वाला है, यहाँ पर पूरा सूख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी रात भर ऐसे ही या फिर इससे भी और ज़बरदस्त यहाँ पर डांस जो नाच जो नृत्य है होने वाला है। तो ये नाचते वो लोग सुबह तक यहाँ पर नाचते हैं ना, सुबह तक नाच के फिर कल तो हम लोग का मेन दिन है, कल खाने पीने मतलब कल मेहमान लोगों को कल खिलाया पिलाया जाता है। ये तो आज मांगपराव का पहला दिन है, आज रात पर नाच गान करके फिर सुबह से फिर लोगों को मतलब मेहमान जितने भी लोग आए हुए हैं घर घर में गांव में उन लोगों को खिलाया पिलाया जाता है। दूसरा दिन शायद इसका मांगपराव का दूसरा दिन तो आप लोग को वीडियो में नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं दोस्तों। इससे जैसे इस तरीके से कीचड़ हुआ है, अगर कीचड़ ना भी रहे तो यहाँ पे काफ़ी लोगों का सैंडल्स स्लीपर्स शूज़ वगैरह जूता वूता सारा टूटने फूटने वाला है। कई लोग तो इसमें सेंटर में टूट फूट जाता है, यानी पर्व ख़त्म होने के बाद यहाँ पता चलता है कितने लोग का सेंटर टूटा फूटा आपको कहीं सारा मिल जाएगा। और इस बार तो कुछ ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इस बार पूरा कीचड़ हुआ है दोस्तों यहाँ खड़ा में बारिश होने की वजह से। अच्छा दिन में कीचड़ हुआ, एक रात भर अगर अच्छे दिन में बारिश हुई, लेकिन रात भर अगर बारिश होती तो इस तरीके से नाचना पॉसिबल नहीं होता, संभव नहीं होता। पूरा बारिश होने की वजह से कीचड़ नहीं होता, कीचड़ की वजह से नाच नाच की सारा सूख जाने वाला है। लोग रात भर सेवा करना है, लोगों के लिए खाना पीने का व्यवस्था करना है, और फिर सुबह से फिर ऐसे ही काम फिर ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप देख सकते हैं लोगों कीचड़ का भी कोई फिक्र नहीं है, ठीक है, कीचड़ में घुस घुस के किस तरीके से नाचते हैं आप देख सकते हैं दोस्तों।
से रंग बिरंगे साड़ियाँ पहन के या नए नए कपड़े पहन के नए नए लिबास में आते हैं यहाँ पे पर्व शामिल होने के लिए, पर्व का मजे लेने के लिए। देखिए लोगों का खुशी आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या कीचड़ क्या दलदल क्या गंदगी, यहाँ पे कुछ नहीं है, सब खुशी के आगे सब कुछ होना है। ऐसा मौका साल में बहुत ही कम आता है जो इस तरीके से लोग सामूहिक रूप से। यहाँ का डेकोरेशन आप देख सकते हैं, ऐसे गांव देहात में कम ही देखने को मिलता है, वो भी मांग पर्व में। ऐसे सजावट तो कई जगह में देखने को मिल भी जाता है, पर इस तरीके से रात भर जो है ना दोस्तों, नाच शायद दूसरा गांव में नहीं होता जिस तरीके से यहाँ पे होता है। मतलब वो ओवरऑल सब कुछ कुल मिला के हमारे गांव में बहुत ही ज़बरदस्त मांग पर्व होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज मांग पर्व का मतलब आखिरी दिन है, ख़त्म हो चुके हैं मांग पर्व है ना, आज हर मैग्या बोलते हैं। तो एक रिवाज है हम लोग का, देखिए अभी घर घर से चावल और कुछ जैसे उड़द दाल कलेक्शन लिया जाता है और उसको मतलब भून के चावल को है ना प्रसाद के रूप में फिर से बांट दिया जाता है घर घर में। देखिए उस कलेक्शन लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं है ना कुछ लोग, उनको देख सकते हैं है ना, इस तरीके से बत्ता को जो धोना बना के है ना उसका और चावल वाल का मतलब कलेक्शन लिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर चावल और यह मतलब कुछ मतलब यह दाल क्या बोलते उड़द दाल का कलेक्शन लिया जाता है और इस तरीके से मतलब पत्ता का धोना बना के वो सब देखिए आप देख सकते हैं हर घर से लिया जाता है और कई साइड में जाके चावल को भुना जाता है और उड़द दाल को उसके बाद घर घर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। नियम है मतलब ऐसा रिवाज है। तो मांग पर्व तो ख़त्म हो चुका है दोस्तों, अभी यहाँ पर देख सकते हैं है ना, यहाँ देखिए गाँव के कुछ मतलब बनते लोग कुछ है ना भाई लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो कलेक्शन लेने के लिए आप देख सकते हैं है ना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, आज के ब्लॉग में इतना ही। तो तब आप लोग अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद दोस्तों।